नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक है काफ़ी ख़ास है, और ये टॉपिक भी रिलेटेड है हमारे फिलोसफिकल पार्ट से। टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ होम्योपैथी, जिसका एक्सप्लेनेशन स्टुअर्ट क्लोज ने किया है, और काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है। तो उस चैप्टर के मैंने जितने पॉइंट थे, वैसे तो काफ़ी एक ब्रॉड चैप्टर है और स्कोप ऑफ होम्योपैथी टॉपिक भी काफ़ी एक ब्रॉड है, बट इसको मैं छोटे छोटे पॉइंट में इसको मैंने निकाला है, इसको मैंने राइट डाउन किया है, और उसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने करूँगा, आपके साथ करूँगा। तो आपको इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि आखिर ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। तो टॉपिक काफ़ी ख़ास है और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाएं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि मैं जो भी इस तरह की वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाम से ये क्लियर है कि ये टॉपिक स्कोप को डिनोट कर रहा है। स्कोप का मतलब ये होता है अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटीज टू डू समथिंग इन अ पार्टिकुलर एरिया। एरिया हमारा फिक्स है, करना होम्योपैथी है, इसलिए हमको इसका स्कोप जानना आवश्यक है, ताकि इसके प्रिंसिपल के आधार पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें और होम्योपैथी को तो आगे बढ़ा ही सकें, उसके साथ साथ खुद का भी उत्थान कर सकें, इसलिए स्कोप जानना आवश्यक होता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक कहानी सुनाऊंगा, और वो कहानी इस टॉपिक से काफ़ी अच्छा रिलेट करती है। बट इस बार की जो कहानी है ये थोड़ा गुरु और शिष्य टाइप की है, राजा महाराजा से रिलेटेड नहीं है। कहानी है द्रोणाचार्य और उनके शिष्यों की। द्रोणाचार्य के शिष्य जो थे वो कौरव, 100 कौरव थे, और उसके साथ पांडव। ये लोग उनसे अपनी पढ़ाई करते थे, उनसे अपना ज्ञान लेते थे। एक बार की बात है कि एक सेंटेंस था, एक वाक्य था, जो द्रोणाचार्य जी ने सबको दिया कि ये रट के आना, कल आना, कल मैं सबसे पूछूंगा। जैसे हमेशा हम अपने क्लास में हमारे टीचर एक टॉपिक देते हैं कि समझ के आना, पढ़ के आना, कल हम पूछेंगे, और नहीं जवाब दिए तो तुम्हारा खैर नहीं। उसी तरह द्रोणाचार्य ने एक टॉपिक दे दिया। टॉपिक था, सेंटेंस था, वाक्य था, क्रोधस्य पापस्य कारणम। क्रोध पाप का कारण है। सिंपल सा 4 लाइन का वर्ड था, कोई दिक्कत नहीं था बोलने में। सब गए, सबने अच्छे से रटा, कल आए, सब कौरवों ने, 100 कौरवों ने इसको सुना दिया, गुरुजी क्रोधस्य पापस्य कारणम। जब बात आती है युधिष्ठिर की, युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे ये पाठ याद नहीं हुआ, ये पाठ मुझे नहीं समझा। द्रोणाचार्य ने बोला कोई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन और ले लो। दूसरे दिन जाते हैं युधिष्ठिर, फिर बोलते हैं कि ये पाठ मेरा क्लियर नहीं हुआ। ऐसे ही 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 1 हफ्ते बीत गए। अब गुरु जी को आ गया गुस्सा, द्रोणाचार्य जी को। अरे कहना क्या चाहते हो? अब द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया, उन्होंने काफ़ी उसको डांट दिया, और युधिष्ठिर के यहाँ तक लगने के बाद युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरु जी अब मेरा पाठ क्लियर हो गया। अब द्रोणाचार्य आश्चर्य कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि आपने मेरी इतनी पिटाई की, मुझे इतना भला बुरा बोला, फिर भी मुझे क्रोध नहीं आया, अब मेरा पाठ क्लियर हो गया, अब मैं क्रोध पाप का कारण है ये मैं समझ चुका हूँ, और आगे से मैं ये गलती नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि आपने इतना पीटा, इतना बड़ा बोला कहा मुझे, फिर मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मेरा ये पाठ क्लियर हो गया। यानी कि जब तक पाठ सबकॉन्शियस माइंड तक क्लियर नहीं होता है, जब तक पाठ हमारे अंतर्मन तक क्लियर नहीं होता है, तब तक वो पाठ अधूरा रहता है। केवल रटने से शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, ये कहना काफ़ी आसान है, बट उस चीज़ को समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि इस कहानी का मतलब यही था कि जो हमारा प्रिंसिपल है, जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, सिविलियर सिविलियर स्क्रिंचर का जो सिद्धांत है, हनीमैन के द्वारा दिया हुआ जो सिद्धांत है, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और उसको अपने सबकॉन्शियस में फिट करने की ज़रूरत है, उसको अपने अंतर्मन में जगह देने की ज़रूरत है। तभी हम, जब हम प्रैक्टिस में उतरेंगे, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जब हम पेशेंट को दवा देंगे, तो इस सिद्धांत के आधार पर देंगे, और वहाँ पे क्योर भी हमको देखने को मिलेगा। इस कहानी का सीख यही है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है, जो भी होम्योपैथी का सिद्धांत है, उस चीज़ को समझने की तो ज़रूरत है ही, और समझने के साथ साथ उसको उसी वे में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक हम युधिष्ठिर की तरह उसका पाठ हमारा क्लियर नहीं हो जाएगा, इस प्रिंसिपल को हम अच्छे से समझ नहीं लेंगे, तब तक हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, तब तक इसको हम एक वे ऑफ ट्रीटमेंट के रूप में इसको यूज़ नहीं कर सकते, और एक कॉन्फिडेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि हमें लगता है कि इस प्रिंसिपल पे काम होगा या नहीं होगा। अगर हम डाउट में रहेंगे
तो ये चीज़ संभव नहीं है और ये हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है कि वहाँ पे क्यों डेवलप ना भी हो। तो डाउट को क्लियर करने के लिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल ये काफ़ी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। डायरेक्ट हम आते हैं टॉपिक पे। मैंने जैसे पहले बोला कि इस टॉपिक को मैंने डिफरेंट पॉइंट में डिवाइड किया है, तो पॉइंट के माध्यम से इस टॉपिक को समझेंगे। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। स्कोप ऑफ होम्योपैथी को लेके स्टुअर्ट क्लोज ने क्या बोला है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज ने ये बोला है कि जो एक्यूरेसी है, जो इफिशेंसी है इन होम्योपैथिक थेरापेटिक, ये तभी संभव है जब हमको क्लियर डिफाइंड आइडिया हो। आइडिया किसका? प्रिंसिपल का। जो भी सिद्धांत है, जो होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, जब तक इसका क्लियर हमको आइडिया नहीं मिलेगा, जब तक इसका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, तब तक हम इस जो वे ऑफ थेरापेटिक है या जो वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है उसको हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला ही पार्ट है हमारा इस प्रिंसिपल को अच्छे से समझना, तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ये बोल रहे हैं कि जो भी स्कोप ऑफ होम्योपैथी है एक ऐसा टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस टॉपिक को लेके किसी भी फिजिशियन, किसी भी टीचर के द्वारा इसको लिटिल कंसिड्रेशन दिया गया, इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं दी गई। यहाँ तक कि बच्चों को इस तरीके से समझाया नहीं गया कि वाई ही सक्सेस एंड वाई ही फेल्योर, यानी कि पेशेंट को हमने ट्रीट किया, पेशेंट में क्यों फेल्योर डेवलप हो रहा है, क्यों सक्सेस डेवलप हो रहा है, इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह के कॉन्सेप्ट के साथ समझाने वाले टीचरों की भी कमी है और यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर की भी कमी है। ऐसा स्टुअर्ट क्लोज इस पॉइंट के माध्यम से बोल रहे हैं। थर्ड पॉइंट से रिलेटेड स्टुअर्ट क्लोज ने अन्य एग्जाम्पल दिया है, जहाँ पे एक एग्जाम्पल ये कहता है कि हम एक ऐसे आर्मी हैं जो अपने गोला बारूद को, एमुनिशन को नष्ट कर रहे हैं, वैसे इनेमी को खोजने के लिए जिसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता नहीं है। यानी कि एग्जैक्ट ट्रीट क्या करना है, एग्जैक्ट हमको इम्प्लीमेंट क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है, वो हमें पता नहीं है। बस हम फेंके जा रहे हैं, फेंक के अपना गोला बारूद यानी कि अपनी मेडिसिन को फेंके जा रहे हैं, कोई ना कोई तो उसमें लगे जाएगा। यानी कि एक ऐसा फिलोसफिकल एरोप्लेन जिसको हमने हवा में छोड़ दिया है कि वो इनमी को ढूंढेगा, उसको मार देगा। कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन स्टुअर्ट क्लोज ने किया है इस थर्ड पॉइंट से रिलेटेड। फोर्थ पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस को लेके रिलेट कर रहे हैं। मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस यानी कि वाइटल फोर्स अभी डिजीज कंडीशन में आ चुका है, और जब भी वाइटल फोर्स अफेक्ट होता है, डिजीज कंडीशन में जाता है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है साइन एंड सिम्टम के द्वारा। यानी कि जो भी परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम पेशेंट से हम लेते हैं, वो परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस के कारण वो डेवलप होता है। तो उस सिम्टम को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके आधार पे पेशेंट को दवा देते हैं। तो फोर्थ पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज ने मॉर्बिड वाइटल प्रोसेस को रिलेट किया है। फिफ्थ पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज ने एक वर्ड यूज़ किया है डिजीज़ पर से। डिजीज़ पर से का मतलब होता है अल्टरेशन इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के जो स्टेट, हेल्थ स्टेट में जो चेंजेस जा रहे हैं, वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जा रहा है, इस कंडीशन को उन्होंने बोला है डिजीज़ पर से। और ये अल्टरेशन क्यों डेवलप हो रहा है? ड्यू टू द डायनेमिक कॉज, ड्यू टू द इनिमिकल फोर्स विच अफेक्ट लाइफ प्रिंसिपल। जो भी इनिमिकल फोर्स है वो हमारे लाइफ फोर्स को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए इस तरह की अल्टरेशन डेवलप हो रहे हैं। सिक्स पॉइंट यहाँ पे है नेसेसरी इन होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग। होम्योपैथी प्रिस्क्राइब करने के लिए, होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पे उन्होंने बोला है केयरफुली सेपरेट द प्राइमरी फंक्शनल सिम्टम्स विच रिप्रेजेंट द मॉर्बिड सिम्टम इट्सेल्फ। यानी कि प्राइमरी फंक्शनल सिम्टम यानी कि जो भी फंक्शनल डिरेंजमेंट हो रहे हैं पेशेंट में। जब मैंने इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम की बात की थी, वहाँ पे बोला था स्टेज वन में जब पेशेंट होता है तो बोलता है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अचानक प्यास नहीं लगती थी, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगी, भूख कम था, अचानक बहुत ज़्यादा भूख लगने लगा, या भूख बहुत ज़्यादा लगती थी, नॉर्मल थी, अभी कम हो गई है। यानी कि जो सिम्टम पेशेंट को एज अ होल डिनोट करता है, वो पेशेंट के ओवरऑल फंक्शन को डिनोट करता है, और वो सिम्टम होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा से हेल्प करता है, चाहे बीमारी किसी भी स्टेज में हो। इसलिए यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज कह रहे हैं कि जो भी प्राइमरी फंक्शनल सिम्टम है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके माध्यम से हम डिजीज़ को भी समझ जाएंगे कि एक्चुअल में पेशेंट को मॉर्बिड कंडीशन, डिजीज कंडीशन है क्या। सेकेंडरी सिम्टम को भी ऑब्जर्व करना है। सेकेंडरी सिम्टम यानी कि जो भी पैथोलॉजिकल या प्रोडक्ट ऑफ द डिजीज है, यानी कि एक ट्यूमर डेवलप हो गया, डेट इज़ द सेकेंडरी सिम्टम। उस ट्यूमर को भी देखना है कि उसका साइज क्या है, उसका शेप क्या है, उसमें से ब्लड आ रहा है या इचिंग हो रही है, बट
उसके पीछे उसका जो फंक्शनल चेंजेस था, जो उसके पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट था, उस स्टार्टिंग पॉइंट को भी वहाँ पे ऑब्जर्व करना है, क्योंकि वही हेल्प करेगा हमको मेडिसिन सेलेक्ट करने में। पैथोलॉजिकल लेवल के आधार पे हम दवा नहीं दे सकते। वहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप रीड कर सकते हैं। वी नॉट प्रिस्क्राइब फॉर द ट्यूमर, हम ट्यूमर के लिए प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, बट आखिर ट्यूमर डेवलप क्यों हुआ, कॉज और इफेक्ट के बीच में प्रोसेस क्या था, उस प्रोसेस के आधार पे हम दवा देते हैं तो पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो नेसेसरी क्या है कि हमको प्राइमरी फंक्शनल जो सिम्टम है उसको ऑब्जर्व करना है, और जो सेकेंडरी सिम्टम है उसको तो ऑब्जर्व करना ही है, बट ज़्यादा फोकस हमको प्राइमरी फंक्शनल चेंजेस पे करना है। सेवेंथ पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज ये बात बता रहे हैं कि अगर आपको डाउट है तो आप इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम को जाके पढ़ें, इससे आपको ये जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एट पॉइंट में स्टुअर्ट को सिम्टम को परिभाषित कर रहे हैं कि सिम्टम एक्चुअली है क्या। तो आप जानते हैं कि सिम्टम एक ग्रुप ऑफ सिम्टम मिलकर एक डिजीज़ को फॉर्म करता है, और वो स्टेट ऑफ ऑर्डर से डिसऑर्डर में चेंज हुआ है, इस चीज़ को डिनोट होता है वो सिम्टम के माध्यम से ही। वाइटल फोर्स अफेक्ट हुआ है, वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो भी सिम्टम के माध्यम से ही। तो सिम्टम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बोल सकते हैं इसको, वे ऑफ ट्रीटमेंट की दिशा में, हमको क्योर करने की दिशा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और बहुत सारे डिजीज़ कंडीशन में, जैसे बहुत सारे डिजीज़ में हमको सिम्टम नहीं मिलते, कंप्लीट सिम्टम नहीं मिलते, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी आती है क्योर करने में, या आप भली बात ही समझते हैं। इसलिए सिम्टम को जानना, सिम्टम का मिलना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमको क्योर की दिशा में आगे बढ़ाने में। टेंथ पॉइंट, जहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ने अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर पूरे सिक्स एफरेंस को रिलेट किया है। सिक्स एफरेंस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका मैं लिंक आई बटन दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर यानी कि पहले से हमें बांध के नहीं रखना है कि पेशेंट आएगा ये कंडीशन लेके आएगा तो यही हमको दवा देना है। वहाँ पे जब भी पेशेंट आए, जो भी पेशेंट है उसका हमें एग्जामिनेशन करना है, उसकी टोटलिटी फॉर्म करनी है, रिपोर्टराइजेशन करना है, इवेल्युएशन करना है, देन जो भी मेडिसिन उसके लिए आए सिमिलिमम वो उसको देना है। यानी कि अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर बनके हमें रहना है, तभी हम वे ऑफ क्योर की दिशा में सफल हो सकते हैं। 11th पॉइंट जो कि है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल काफ़ी एक ब्रॉड टॉपिक है जिसमें मैं कोशिश करूँगा एक सेपरेट वीडियो बनाने का, बट इसके थोड़े से पार्ट को यहाँ पे समझते हैं। इट इज़ कंसर्न विथ एक्सप्लेनिंग द फीचर ऑफ रियलिटी डैट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड अ फिजिकल सेंस, हम उसको देख नहीं सकते बट वो एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी करंट जो फ्लो में चल रही है उसका इफेक्ट हमको दिखता है लाइट के माध्यम से, फैन हमारा मूवमेंट करता है उसके माध्यम से, बट उसको हम देख नहीं सकते, यानी फिजिकल सेंस के द्वारा उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ने रिलेट किया है, जो वाइटल डायनेमिक्स, वाइटल फोर्स है हमारे बॉडी का, एक ऐसा फोर्स जो पूरे बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, वो डेविएट होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। तो वो हमें दिखता नहीं है बट उसका जो इफेक्ट है उस इफेक्ट के माध्यम से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो मेटाफिजिकल के माध्यम से स्टुअर्ट क्लोज ने वाइटल प्रिंसिपल, इस डायनेमिक्स प्रिंसिपल को रिलेट करने की कोशिश की है। 12th पॉइंट है टोटलिटी ऑफ द सिम्टम, टोटलिटी यानी कि आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर ऑफ द इंटरनल इसेंस ऑफ द डिजीज़, जो भी आउटवर्डली रिफ्लेक्टेड पिक्चर आ रहा है वो हमें टोटलिटी फॉर्म करने में हेल्प करता है। और ये क्यों आवश्यक है, क्योंकि पेशेंट को दवा देने के लिए, पेशेंट का एक सिंगल सिमिलर मेडिसिन चुनने के लिए टोटलिटी फॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होता है। तो 12th पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज ने टोटलिटी ऑफ द सिम्टम को रिलेट किया है। और 13th पॉइंट है यहाँ पे रेमेडी, यानी कि मोस्ट सिमिलर रेमेडी, मोस्ट सिमिलर रेमेडी पे हम कैसे पहुँच सकते हैं, तो वही टोटलिटी के माध्यम से, इवेल्यूशन के माध्यम से, रिपोर्टेशन के माध्यम से हम मोस्ट सिमिलर मेडिसिन पे पहुँच सकते हैं जिसके माध्यम से क्योर डेवलप हो सकता है। तो 13th पॉइंट में स्टुअर्ट क्लोज ने मोस्ट सिमिलर रेमेडी को कैसे हम चुने, उस वे में कैसे पहुँचे, इसके बारे में यहाँ पे रिलेट किया है। 15th पॉइंट में डॉक्टर डेक का जिक्र है, डॉक्टर डेक जिन्होंने कुछ एक्सक्लूजन किया है, यानी कि स्फीयर ऑफ सिमिलिया में उन्होंने कुछ डिफाइन किया है डिफरेंट पॉइंट के माध्यम से। एक्सक्लूजन का मतलब होता है उस चीज़ को हम इनरोल नहीं करते हैं। जब भी आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वहाँ दो वर्ड यूज होता है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। इंक्लूजन में हम इंक्लूड करते हैं, जो भी हमें करना है उसको हम इंक्लूड करते हैं। एक्सक्लूजन में जिस चीज़ को हमको इंक्लूड नहीं करना है उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हम बाहर निकाल देते हैं कि इस स्फीयर पे हम काम नहीं करने वाले। उसी तरह यहाँ पे डॉक्टर डेक ने एक्सक्लूजन किया है अपने प्रैक्टिस के दौरान। इसके यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हुए हैं, काफ़ी सिंपल पॉइंट है, इसको आप बुक रेफर करके पढ़ सकते हैं, इसका वर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है।
16 पॉइंट में अब बात आ रही है किस किस कॉज से हम अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द लिविंग ऑर्गेनिज्म मे बी एक्टेड अपॉन और अफेक्टेड प्राइमरली इन थ्री वे, तीन वे में ये अफेक्ट हो सकता है। पहला है मैकेनिकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है डायनेमिक। यानी कि तीन वे में हमारा जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अफेक्ट हो सकता है। पहला मैकेनिकल, दूसरा केमिकल और तीसरा डायनेमिक। सबसे पहला पॉइंट है मैकेनिकली। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जैसे कि सच एज लीजन, इंजुरी, डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम फिजिकल फोर्स, चोट लगा वहाँ पे टिश्यू रप्चर हो गए। इसके अलावा मॉर्बिड ग्रोथ फॉर्मेशन, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं जहाँ पे स्टूडेंट लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दिस कंडीशन आर रिलेटेड प्राइमरली टू सर्जरी। ये जो कंडीशन है मुख्य रूप से रिलेटेड किससे है, सर्जरी से एंड फिजिकल थेरापेटिक एंड हाइजीन, उससे ये रिलेटेड है। तो इस एग्जाम्पल को आप बुक रेफर करके ज़रूर पढ़ें। सेकंड यहाँ पे है केमिकली। केमिकली में बहुत सारे कॉज आ सकते हैं। यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ने केवल एसिड और एल्कलाइन को रिलेट किया है, वैसे आप आर्सेनिक पॉइजनिंग या लीड पॉइजनिंग को भी ले सकते हैं। वहाँ पे भी स्टुअर्ट क्लोज ये कह रहे हैं कि पहले जिस केमिकल के कारण पॉइजनिंग हुई है उसको पहले एंटीडोट करना है, उसके बाद जो भी उस केमिकल के कारण डायनेमिक चेंजेज हुआ है उस डायनेमिक चेंज को दूर करने के लिए होम्योपैथी को अप्लाई करना है। तो पहले आप उसका जो अफेक्शन है, जो केमिकल पॉइजनिंग का अफेक्शन है, उसको दूर करें, देन उसके कारण जो डिरेंजमेंट हो रहा है डायनेमिक लेवल पे, वाइटल फोर्स जो अफेक्ट हुआ है, उस फोर्स का जो अफेक्शन जो सिम्टम के माध्यम से आएगा उसको आप दूर करें। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है डायनेमिकली। डायनेमिकली में यहाँ पे कुछ पॉइंट रिलेट किए गए हैं। द इफेक्ट ऑफ डायनेमिकल कॉज ऑफ द डिजीज़, डायनेमिकल कॉज ऑफ डिजीज़ का जो इफेक्ट है, बाय विच मीन्स ऑल दोज इंटेंजिबल, इंटेंजिबल यानी कि जिसको हम फिजिकल सेंस से देख नहीं सकते, एंड मेडिसिनल और टॉक्सिक एजेंट एंड इन्फ्लुएंसेस विच प्राइमरली डिस्टर्ब द वाइटल फंक्शन ऑफ माइंड एंड बॉडी, जो कि माइंड एंड बॉडी के वाइटल फंक्शन को वो डिस्टर्ब कर रही है, वहाँ की वाइटलिटी को डिस्टर्ब कर रही है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी रिलेट किए गए हैं, जैसे पहला है मेंटल, साइकिकल, एटमोस्फेरिक, थर्मिक, कोल्ड एंड हॉट और रेनी, इलेक्ट्रिक, टेल्यूरिक, क्लाइमेटिक। सेकंड यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं डायटिक, हाइजेनिक, कंटाजियस, इन्फेक्शस एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि कुछ ड्रग डिजीज। तो इस तरह के यहाँ पे कुछ फैक्टर को भी डिनोट किया गया है जो कि हमारे वाइटल फंक्शन को अफेक्ट करते हैं मेंटली एंड फिजिकली। तो डिजीज़ के तीन कारण हो गए, मैकेनिकली, केमिकली और डायनेमिकली, और कैसे कैसे ट्रीटमेंट करना है उस सारे वे ऑफ ट्रीटमेंट को यहाँ पे स्टुअर्ट क्लोज ने काफ़ी अच्छे वे में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर से डॉक्टर डेक का जिक्र है, जहाँ पे उन्होंने डोमेन ऑफ सिमिलिया का फिर से जिक्र किया, कुछ वहाँ पे पॉइंट उन्होंने दिया है। यहाँ पे पांच पॉइंट है, ये पांच पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, इसको आप बुक रेफर करके इसको देख लें। फिर से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका जिक्र हैनिमन ने हमेशा से किया है, 67 एफरेंस का जो फुटनोट है जहाँ पे पैलिएटिव मेजरमेंट की बात है, यानी कि जहाँ पे भी जैसे आप केमिकली कोई इफेक्ट हुआ है तो वहाँ पे मेटेरियलिस्टिक थिंग्स की आवश्यकता है। तो वैसे जगह पे, वैसे सिचुएशन पे जहाँ पे पेशेंट के लाइफ और डेथ का सवाल है, वहाँ पे वैसे कंडीशन में पैलिएटिव मेजर यूज़ करने की बात डॉक्टर हैनिमन ने भी की है, और कुछ इस पॉइंट को स्टुअर्ट क्लोज ने यहाँ पे रिलेट किया है, पैलिएटिव मेजरमेंट कहाँ यूज़ करना है जहाँ पे फिजियोलॉजिकल डोज की आवश्यकता हो। तो नेक्स्ट आपका हो गया पैलिएटिव मेथड। लॉ ऑफ पैलिएशन जो कि एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद स्टुअर्ट क्लोज ने होम्योपैथिक फिजिशियन की कुछ खूबियाँ, कुछ अच्छाई, कुछ उनके गुण को रिलेट किया है। वो एक थ्योरेटिकल पार्ट है, उसको आप रीड करेंगे वो समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो टॉपिक था स्कोप ऑफ होम्योपैथी, शुरू हुआ हमारा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी से और लास्ट में ख़त्म हो रहा है पैलिएशन से। अगर इस वीडियो को कंक्लूड किया जाए तो यहाँ पे आपने देखा कि लगभग जो भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के एफरिन 1 to 70 के बेस के ही हैं, और उसके साथ साथ जो हैनिमन का इंट्रोडक्टिव पार्ट था उस सारे को कंक्लूड करके स्टुअर्ट क्लोज ने इस चैप्टर को काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, काफ़ी मैंने इजी वे में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगा। सो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।